प्रणाम दीदी। ये दीदी आलू के छटाई शुरू कर दिली है। हाँ छटाई आलू के छटाई दीदी शुरू हो गए हने आ रोपियो के समय आ गए हने। आहा कहाँ से आइले दीदी? भी बीज वाला आलू लेकर के आ रही है दीदी। आओ सुस्ता लियो चाय उ पी लेम त जाए। की दीदी यह सब आलू रोपब? हाँ दीदी यह आलू हम रोप छे कर उपज बहुत अच्छा होई छे दीदी। ई बीज त हमरा न ठीक लगइए दीदी। आलू में कौन खराबी है? हम तो हर साल यही लगब छियै। हर साल तो दीदी पाला लगिए जाय छै मगर कि पाला से जे बच क जे बचल है वही आलू बीज में रख दिए है। हर साल तो पाला मारिए दै छै आ जे खेत में हमरा पाला न मारलकै रह वही खेत के बीज हम रख लिए। हमरे खेत के बगल में दीदी के खेत है ओमे पाला न लागल है। दीदी के खेत में पाला कम लगै छै और दीदी के आलू भी एक साइज के रहै छै आ दीदी के आलू के भी साइज चमक ज्यादा रहै छै। ओकरा जे है से कथी कहै छै कि पैकार ज्यादा चाहै छै आलू के। हाँ दीदी ठीक कहलियै दीदी। हमरा ऐसन खेती करे के लेल दू चार गो तरीका में सुधार करे के पड़त। दीदी ई सब कोन तरीका है? दीदी ई सब तरीका अपने आवे के लेल कोई बड़का बात न है। हम सब ई तरीका अपना सकलियै है। पाला से बचावे के लिए दीदी बहुत उपाय है लेकिन पहला उपाय बीज से शुरू है। हम अपना बउआ के बुलवा करके हम बता दें। बउआ बीज लेकर के आ गेलन आ बीज के उपचार क करके और तरीका बता देता दीदी। बीज उपचार करे से पहले अहाँ के हम बीज के चुनाव के तरीका भी बता दे रही है साथे साथे। दीदी आलू उपचार करे से पहले एक बात और पर ध्यान देवे के होई छै कि बीज के चुनाव जे है सही चुनाव जरूरी है। जेमे कि अहाँ के आलू के बीज में बहुत ऐसा आलू है जे न रोपे लायक है। जैसे ही देख लू बीज जैसे दीदी ई सब आलू बीज के रोपे में काम न आते। जैसे देख लू कटल आलू भेल हरा आलू भी न बीज में काम आए और सुखरी टाइप के आलू और ज्यादा छोटा आलू भी बीज में काम न आते। दीदी देखो दीदी हमार आलू के बीज है हाँ दीदी एक साइज का बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बड़ा भी नहीं है सब एक साइज का है। हाँ दीदी पर साल जो आलू उपजला तो एक साइज के सब बीज छांट करके हम कोल्ड स्टोर में रख देंगे। हाँ।